नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत की कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन मुहैया भी कराई है, लेकिन देश की कुछ राज्य सरकार कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर अब भी सवाल खड़े कर रही है। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच लेटर वॉर छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग पर छत्तीसगढ़ सरकार को जवाब दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए थे। टीएस सिंहदेव ने केंद्र को पत्र लिखकर कोवैक्सीन के तीसरे चरण के अधूरे परीक्षण पर चिंता जाहिर करते हुए कोवैक्सीन का टीका छत्तीसगढ़ नहीं भेजने की बात कही थी। अब इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी पत्र लिखकर जवाब दिया है। हर्षवर्धन ने अपने पत्र में लिखा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल के बाद रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है, इसके बाद ही वैक्सीन बनाई और दी जा रही है। ऐसी मंजूरी न सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड शील्ड को भी दी गई। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा कि कोवैक्सीन की शीशी पर एक्सपायरी डेट न होने की आपकी चिंता पूरी तरह निराधार है। वैक्सीन की शीशी पर एक्सपायरी डेट का लेवल चस्पा है। हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों में करीब 70% टीकाकरण किया जा चुका है। आप इस बात की सराहना करेंगे कि राज्य के पास उपलब्ध दोनों टीकों की पर्याप्त मात्रा के बाद से इस कवरेज में काफी सुधार की आवश्यकता है। दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं, इसका इस्तेमाल तेजी से किया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द महामारी पर काबू पाया जा सके। बता दें कि भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश में बड़ी तेजी से कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। गुरुवार शाम 7 बजे तक 74,30,000 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना टीकाकरण मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 7,52,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां अब तक 6,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 6,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।